आज ये इतने 12 शिकायतें आई थी, जिनमें से मैंने हर शिकायत के ऊपर आदेश दिए हैं कार्रवाई करने के। कुछ ड्रॉप भी किए हैं जो सॉल्व हो गई, बहुत सारी तो लोग खुद भी आके कह के गए कि हमारा समाधान हो। और इसमें एक मैंने DSP को सस्पेंड किया है फॉर नॉट ऑनरिंग माई ऑर्डर। पिछली मीटिंग में जो मैंने आदेश दिए थे उस पर उन्होंने अमल नहीं किया, और बल्कि अपने ही वो उसके ऊपर लिपापोती करते रहे, तो दैट इज कंटेम्प्ट ऑफ द कमेटी। वो मैंने उस DSP के ऊपर कार्रवाई की है। और एक वो मामला आया था जिसमें एक रजिस्ट्री प्लेज थी, उसके बाद उसकी रजिस्ट्री कर दी गई थी, एक प्रॉपर्टी प्लेज थी उसकी रजिस्ट्री कर दी गई थी। पिछली कमेटी में मैंने एक SIT बनाई थी ADC की रहनुमाई में, वो उसकी रिपोर्ट आ गई। उसमें उन्होंने कहा है कि 2 पटवारी और 1 डाटा एंट्री ऑपरेटर दोषी हैं, उन्होंने काम नहीं किया जिसकी वजह से ये गलत काम हुआ, तो उनको भी मैंने सस्पेंड किया। DSP का नाम क्या है सब सस्पेंड किया? जो भी था सर। किसानों ने पक्का मोर्चा लगाया है अपनी मांगों को लेकर के, बिल्कुल सेक्रेटरी के सामने कुछ मुआवजे की मांग है और अन्य मांगे हैं। देखिए प्रधानमंत्री कई साल लड़ाई करके प्राप्त किया सब, BJP JJP का चल रहा आजकल। हाँ, BJP विप्लव जी ने कह दिया, कहते वो फ्री में समर्थन नहीं दिया JJP। नहीं, देखिए कुछ नहीं चल रहा है। मैंने पहले भी कहा है कि घर में अगर 2 बर्तन होते हैं कभी कभी खड़क जाया करते हैं, तो सियाने लोग उनको उठा के रख देते हैं, घर फिर चलता रहता है, कोई ऐसी बात नहीं। कल जींद में रैली हुई है, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हरियाणा में तीसरा विकल्प है आम आदमी पार्टी, लगता है सर ऐसा कुछ होगा? केजरीवाल को सब जगह से तो नकार दिया, ठीक है ना। अब UP में, उत्तराखंड में, गोवा में, जहाँ जहाँ जाता है इसको रिजेक्ट कर देते हैं। और दिल्ली में जो कुछ ये कर रहे हैं, इनके 2 मंत्री जेल में, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए आए थे। अन्ना हजारे के आंदोलन को इन्होंने अपना वाहन बनाया, और उस आंदोलन की आड़ में इन्होंने ये राजनीतिक पार्टी बनाई। उस आंदोलन के एजेंडे में कहीं नहीं था कि कोई राजनीतिक पार्टी बनाई जाए। तो जिस पार्टी का जन्म ही झूठ के आधार पर हुआ है, वो इस हिंदुस्तान में टिक नहीं सकती है। हिंदुस्तान के लोगों को कभी कदार के धोखा दे सकती है, जैसे दिल्ली में इन्होंने दे दिया, लेकिन अब दिल्ली के लोग भी समझ चुके हैं। कांग्रेस वाले भी ऐसा ही कुछ दावा कर रहे हैं सर, हाथ से हाथ जोड़ रहे हैं, इसी तरह के अभियान चला रखे हैं। पहले अपने हाथ तो मिला लें। हुड्डा जी शैलजा से बात नहीं करते, किरण चौधरी से बात नहीं होती, सुरजेवाला वन मैन आर्मी है, वो इनके कब्जे में नहीं आता किसी के भी, ना हुड्डा साहब के कब्जे में आता है, ना वो प्रधान के कब्जे में आता है। ये अपना संगठन आज तक बना नहीं सके हैं, इनका संगठन नहीं है। अब सपने लेते रहे, सपने लेने के ऊपर अभी देश की किसी भी सरकार ने टैक्स नहीं लगाया, इसलिए सपने लेते रहे। निर्दलीय विधायक विप्लव देव जी से मुलाकात कर रहे हैं सर लगातार, एक के बाद एक? नहीं, विप्लव देव जी हमेशा सबसे मिलते रहते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। वो बहुत अच्छे ढंग से वो हमारे प्रभारी है, वो पुराने कार्यकर्ताओं से भी जाकर मिल रहे हैं, और निर्दलीय जो हमें समर्थन दे रहे हैं उनसे भी आज मिले हैं, बाकी भी अन्य संगठन के लोगों से भी वो लगातार बातचीत करते हैं। चुनाव में अभी 2024 में है, लेकिन आपको लगता है कि तमाम पार्टियां, हरियाणा की बात कर रहा हूं, कि इलेक्शन मोड में आ गई है, तो क्या? देखिए बाकियों का तो मुझे पता नहीं है, जहां तक भारतीय जनता पार्टी है हमें कोई मोड चेंज नहीं करना पड़ता, क्योंकि हमारे जो सैनिक हैं वो हमेशा फील्ड में ही रहते हैं, वो कभी भी बैरकों में नहीं जाते, ये तैयारी तो उनको करनी पड़ रही है जो बैरकों में चले जाते हैं। तो क्या कर्नाटक चुनाव का कुछ असर कांग्रेस पे ज्यादा दिख रहा है, आपको लगता है ज्यादा उत्साहित नजर आ रही है? नहीं, कर्नाटक चुनाव वहाँ की एक रीत है, हर बार वहाँ पर पार्टी वो बदल लेती है, तो हमने कोशिश की थी कि वो रीत को तोड़े, पर हम आगे फिर वहाँ प्रयास करेंगे।
कि वहाँ पे जगह टूटे। सर अभय चौटाला ने कहा है कि स्वास्थ्य मंत्री हिसार के हॉस्पिटल में एक बार भी नहीं गए, बड़े गिफ्ट लेते हैं और निजी हॉस्पिटलों का उद्घाटन करने आ जाते हैं। उनको मिला पिछले दिनों मैंने हिसार में एक अस्पताल का उद्घाटन किया तो उन्होंने इनको बुलाया नहीं। उस बात की तकलीफ है, वैसे बहुत लोग थे वहाँ पर, काफी लोग। बदलने की भी चर्चा रही है, जगह को बदलने की? नहीं नहीं, उसकी जगह हम दिखवा रहे हैं ये, क्योंकि इसका एक्सपेंशन नहीं हो सकता। हमने आज सारे प्रदेश में अस्पतालों का एक्सपेंशन किया है तो उसमें ये आड़े आ रही है, तो इसके लिए कोई जगह दिखी हुई है, वो जैसे फाइनल होगी तो यहाँ पर नया अस्पताल बना के देंगे, बहुत बढ़िया। सर तब तक क्या यहाँ पर विजिट की जाएगी, क्योंकि बहुत सी समस्याएं आज भी सिविल अस्पताल में बनी हुई है, जनता बार बार शिकायतें करती है कि सर ये समस्या आ रही है। नहीं, तो नहीं, क्या नहीं, सिविल अस्पताल हिसार की विजिट भी होगी आपके द्वारा? ऐसा है, आपकी शिकायतें आ गई और वो एक्सेप्ट कर ली मैंने और मैं उनपे कार्रवाई करूँगा, ठीक है ना जी? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हमारा जो प्रदेश में हम खरीद करते हैं उसकी सारी खरीद हो चुकी हुई है, और वो क्योंकि दवाई सप्लाई करने का कुछ टाइम होता है आ रही है, इन द मेन टाइम हमने सब सीएम उसको पावर दिया है कि वो जेम से लोकल परचेज करें। अंबाला बाई इलेक्शन सरकार करवाएगी नहीं करवाएगी? जो जन संवाद कार्यक्रम है उनमें जनता विरोध कर रही है, उनका मतलब शिकायतें ज्यादा आ रही है, सरकार से संतुष्ट नहीं, तो आपको क्या लगता है मुख्यमंत्री और जनता के बीच में सर कोई गैप है कहीं? नहीं नहीं, कहाँ विरोध कर रही है, हमारे हमारी सरकार में लोगों को अपनी बात कहने का मौका दिया जाता है, दूसरी सरकारों में तो आगे डंडे लगा दिया करते थे, कोई आ ही नहीं सकता था, कोई बोल ही नहीं पाता था, हमारी सरकार में अवसर दिया जा रहा, मुख्यमंत्री सुन रहे हैं और उनका समाधान कर रहे हैं। अंबाला बाई इलेक्शन सरकार करवाएगी सर? नहीं, वो सरकार के हाथ में नहीं होता, इलेक्शन वो इलेक्शन कमीशन के हाथ में होता है। इलेक्शन कमीशन क्या, मैडम आपकी बहुत शिकायतें आ रही हैं, इलेक्शन कमीशन क्या निर्णय करता है ये उस पर निर्भर है, अगर जो भी वो निर्णय करेगा हम हर हालात के लिए तैयार। कुछ और पूछना पूछ लो, मैडम की शिकायतें नहीं करी जी, मैडम की शिकायतें नहीं करी? नहीं नहीं, मैडम मतलब कि सीएम, मैं कोई मैडम की बात नहीं कर रहा, आप इसको ठीक करो सारे को अस्पताल को, आप सारा इसका साफ सफाई ये वो, और वो जमीन देख रहे थे क्या हुआ उसका? सर उसका रिमाइंडर माननीय डीसी साहब से भी, सर पशुपालन विभाग में रिमाइंडर सेकंड भी चला गया है अभी मई में, और उसका डीसी साहब आप इसको सर वो उनका जो अपना जो फॉर्म वाली खाली हो रही है उसी के लिए? हाँ जी सर, 22 एकड़ बहुत बढ़िया अस्पताल बना के देंगे, सुपर स्पेशल बना के देंगे सर, सारे बड़े बड़े बना रहे। सर दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि हम तो गठबंधन धर्म निभा रहे हैं, अगर बीजेपी के ही पेट में दर्द हो तो हम क्या करें? हमारा गठबंधन, हम बड़े प्यार से इस सरकार को चला रहे हैं। सर ऐसा लग रहा है कि बीजेपी में भी दो चीजें हैं, कुछ लोग पक्ष में हैं, कुछ विपक्ष में हैं, गठबंधन रहे कि ना रहे? देखिए ऐसा है, ये बीजेपी इंटरनल डेमोक्रेसी को भी अलाउ करती है, यहाँ पर दिमागों के ऊपर ताले नहीं लगाए जाते जैसा दूसरी पार्टी। शुक्रिया, ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। और पूछ लो तो दिवाली मिलके बनाएगी बीजेपी जेजेपी के साथ। माइक उठा लिया।